दरभंगा एयरपोर्ट के सामने की सड़क को चौड़ा करने की कवायद शुरू हो गई है। डीएम राजीव रोशन की अध्यक्षता में भू अर्जन को लेकर आयोजित बैठक में सड़क को चौड़ा करने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि दिल्ली मोड़ से जयनगर फोर लाइन सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि प्रथम चरण में दरभंगा में ही सड़क निर्माण कार्य किया जाना है, जिससे हवाई अड्डे के पास की सड़क चौड़ी हो जाएगी। दरभंगा जयनगर NH 527 को लेकर भू अर्जन के लिए 3A की कार्रवाई की जा रही है। इस सड़क का 14.9 किलोमीटर दरभंगा जिला अंतर्गत निर्माण होना है। इसके लिए भू अर्जन के लिए 46 मौजे को चिन्हित किया जा चुका है। इसमें 48.44 एकड़ जमीन भू अर्जन करना होगा, जिसमें लगभग 40 एकड़ सरकारी है। DM ने कहा कि सरकारी जमीन शीघ्र हस्तांतरित करा दी जाएगी। इस जमीन के लिए भू अर्जन की कार्रवाई की जाए। DM ने 30 अप्रैल तक भू अधिपत्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देने का निर्देश दिया है। बीएड पास अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। CM कॉलेज में बीएड पास अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए CTET की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सौजन्य से नोडल एजेंसी मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना के द्वारा संचालित कोचिंग में वैसे छात्र छात्रा ही आवेदन कर सकते हैं जो आगामी जुलाई 2023 में CTET की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। कोचिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक छात्र छात्राएं 8 से 25 अप्रैल तक कॉलेज अवधि में निःशुल्क आवेदन फॉर्म प्राप्त कर उसे भरकर कॉलेज की सामान्य शाखा में जमा करेंगे। निःशुल्क कोचिंग में नामांकन के लिए जाँच परीक्षा 30 अप्रैल को CM कॉलेज में आयोजित की जाएंगी। वहीं चयनित 60 छात्र छात्राओं का वर्ग संचालन 1 मई से कॉलेज में शुरू होगा, जिन्हें निःशुल्क पुस्तकें और संबंधित पाठ्य सामग्रियां भी प्रदान की जाएगी। वहीं यहां के छात्र छात्राएं 100% CTET परीक्षा में सफल होते रहे हैं। दरभंगा सकरी रेलखंड पर सदर थाना क्षेत्र के बिजली गुमती के पास रेलवे ट्रैक किनारे संदिग्ध स्थिति में एक युवक का शव मिला। मृतक के शरीर, हाथ, पैर और सिर में जख्म के कई निशान थे। देखने से ट्रेन दुर्घटना प्रतीत होती है। वहीं दूसरी ओर मृतक की बाइक घटनास्थल से 400 मीटर दूर मुख्य सड़क पर पाई गई। बाइक की चाबी मृतक की जेब से बरामद हुई। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH ले गई। शव की शिनाख्त नहीं होने के कारण उसे शीतगृह में रखवा दिया गया है। शाम में मृतक की पहचान भालपट्टी OP क्षेत्र के अंधरी गांव निवासी कपिलेश्वर सहनी के पुत्र विशाल कुमार सहनी उम्र 21 वर्ष के रूप में की गई। शाम मृतक के पिता कपिलेश्वर सोनी थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि बुधवार की शाम उन्हें और उनके पुत्र के साथ उनका साला कई लोगों के साथ मिलकर जमीन विवाद को लेकर मारपीट कर रहा था। वे जान बचाकर वहां से भाग गए। उन्हीं लोगों ने उनके बेटे को मारपीट कर फेंक दिया है। थाना अध्यक्ष पवन कुमार सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से पूछताछ की। थाना अध्यक्ष ने कहा कि घटना की जाँच की जा रही। रमजानुल मुबारक का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला माना जाता है। वैसे तो रमजान पाक मुबारक महीने में रोजेदार पूरे महीने रात और दिन इबादत करते हैं, लेकिन रमजान में शुक्रवार के दिन का अलग ही महत्व है। शुक्रवार को रमजान के तीसरे जुमे के मौके पर शहर के लहरस राय में पुरानी मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों में नमाज अदा की गई। इस दौरान सभी रोजेदारों ने नमाज अदा किया। मस्जिदों में जोहर की अजान के वक्त ही नमाजी आना शुरू हो गए। जुमे की नमाज से पहले मस्जिद के इमाम ने रमजान के महीने की फजीलत बताई और कहा कि जब हम अल्लाह को खुश करने के लिए रोजा रखते हैं तो हमारा पूरा जिस्म रोजेदार बन जाता है। इस दौरान अपने कान, जुबान और नजरों की पाकीजगी को बचाए रखना हर मोमिन का फर्ज है। सब हुए कि मैं इबादत सारे के सारे लोग इबादत में मशगूल हैं और अच्छी खासी भीड़ मस्जिद में है। इसके लिए अल्लाह का लाख लाख करम है, अल्लाह पाक का लाख लाख। ये हम लोगों के यही पर्व है, एक इसमें हम लोग बहुत खुशी से मनाते हैं। गुड फ्राइडे के मौके पर स्टेशन रोड स्थित रोमन कैथोलिक चर्च में प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। दोपहर 2:30 बजे होली क्रॉस स्कूल के प्रांगण से होली रोजरी कैथोलिक चर्च तक ईसाइयों ने 14 मुकाम की क्रूस यात्रा निकाली। काफी संख्या में लोगों ने क्रूस यात्रा में हिस्सा लिया। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी की चर्चा करते हुए लोगों ने प्रेम, सत्य, शांति, भाईचारे और विश्वास के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। गुड फ्राइडे को पूरे ईसाई समाज के लोग शोक में डूब गए। सभी ईसाई समुदाय लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। फादर सुशील और सहायक फादर नीरज की अगुवाई में सभी धर्म विधियों का समापन संपूर्ण हुआ। गुड फ्राइडे हम ईसाई भाइयों के लिए सबसे बड़ा त्योहारों में गिनती होती है। इसकी तैयारी हम 40 दिनों से करते हैं और आज के दिन हम लोग ईसा मसीह के द्वारा दिए गए संदेश को बांटते हैं और ये कब पता करते हैं
ईसा मसीह ने अपने बातों से प्रेम, भाईचारा, शांति, क्षमा, इसका संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। और आज हमारे यहाँ इस कैथोलिक चर्च में 14 मुकाम यानी 14 जगह ईसा मसीह जब कलवरी के पहाड़ पर जाते हैं तो रास्ते में भीड़ उनके पीछे होती है और हर जगह उनके साथ कोई ना कोई घटना घटती है जो विशेष माने रखता है हम ईसाई भाइयों के। और अब जब हम यहाँ चार भाग में इसे करते हैं तो जब ये यात्रा निकलती है तो ये यात्रा में हम ईसा मसीह के संदेशों को बांटते हैं लोगों के बीच में। और अगला स्थान होता है जब हम गिरजाघर में जाते हैं तो उनके क्रूस का चुम्बन लेते हैं। चुम्बन लेने के बाद आज हम लोग उपवास रखते हैं और उपवास तभी खत्म होता है जब सारा का सारा विधि पूजन विधि पूरा खत्म हो जाता है, तब हम लोग उपवास तोड़ते हैं। उपवास तोड़ने के लिए शरबत और खास करके विशेष रूप से बन मीठी रोटी है उसके द्वारा उपवास तोड़ा जाता है। और आज से हम तैयारी करते हैं ईस्टर संडे के लिए। ये हमारे ईसाई पूरे ईसाई समाज में एक विश्वास है बाइबल में कि तीसरे दिन ईसा मसीह पूर्ण जीवित हो जाते हैं और वो हम लोग के बीच में आते हैं। दरभंगा शहर के रेलपट्टी स्थित BSNL ऑफिस परिसर में आधार कार्ड बनाने की शुरुआत की गई है, जहां काफी लोग आधार कार्ड बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूल में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में आधार कार्ड नामकरण के लिए जरूरी होता है, जिसके लिए अभिभावक काफी परेशान हो रहे हैं और इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। लेकिन अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। BHU कार्यालय में बिल्कुल निःशुल्क आधार कार्ड बनाया जाता है। यहाँ सिर्फ सुधार के लिए पैसा लगता है, जिससे काफी संख्या में लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए पहुँच रहे हैं। आधार कार्ड बनाने BSNL ऑफिस आए हैं और यहाँ बहुत अच्छी विधि व्यवस्था के साथ सारे लोग एक लाइन में लग के बना रहे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ। कितने बच्चों के लिए? बच्चे हमारे पास दो हैं। मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ। कहाँ रहते हैं? यहाँ DMCH में। किस चीज का काम होता है? आधार कार्ड बनाया जाता है। कितना बजे से शुरू होता है? 9 बजे से। कितना बजे तक? 5 बजे। कहाँ से आते हैं आप लोग? आधार कार्ड से किस किस चीज का आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? जो करेक्शन होता है, जो गलत आता है उसका सुधार होता है। कितना लिया जाता है? पैसा भी लेते हैं सुधार में? चार्ज करते हैं 50 रुपया आपको लग जाएगा सर। और नया बनाने का? नहीं। नहीं। क्या नाम हुआ? कब से काम चल रहा है यहाँ? 4-5 दिन। रोशनचक BMP-13 के पास रामाशेष यादव विष्णु देव यादव के खेत में आग लग जाने से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि दिन में अचानक खेत में आग लग गई। वहीं पास के लोगों ने देखा तो आग लगते हुए फायर ब्रिगेड को सूचना दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, तब तक किसान भी पहुँच कर अपनी तरफ से आग बुझाने की कोशिश में लग गए, लेकिन तब तक फसल जलकर नष्ट हो गई, जिससे किसान के पूरे साल की कमाई और मेहनत सब जलकर राख हो गई। वहीं किसानों ने मुआवजे की मांग की है। गेहूं का फसल था लगा हुआ, सब जल गया। मुआवजा चाहिए फसल का, और क्या चाहिए। लोग क्योंकि छठ होता है उस समय से गेहूं बुआई के लिए जुटाई पुताई पानी उन्हें देना पड़ता है, उसको पालता है बच्चे की तरह, आशा करता है जो फसल हो उसमें अच्छा ढंग से तकनीक बच्चे बाल बच्चे सब मिलकर खाएंगे। कटवाना का समय आया था, आग लग गया, खाने पीने का तो दिक्कत होगा। विष्णुदेव यादव गए, आग लगा हुआ था, गए मुझाने के लिए, हम लोग से नहीं हुआ। मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई आज फिर से की गई। दरभंगा एक्साइज द्वारा विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई, जहां से तकरीबन एक दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह गिरफ्तारी शराब बेचने, शराब पीने के जुर्म में हुई है। सभी गिरफ्तार लोगों को आज कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि बिहार सरकार के सख्त निर्देश पर शराबबंदी को सफल बनाने के लिए उत्पाद विभाग और मद्य निषेध के द्वारा यह कार्रवाई शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक की जा रही है, जिसमें दर्जनों की संख्या में लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। सर पीने रहे थे दुकान, चाय के दुकान पे बैठे थे, उठा के ले आए। कब लाया गया? रात में सर, रात 8 बजे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू कुमार। घर कहाँ हुआ? घर मिर्जापुर। चाय पी रहे थे, मतलब गिलास भी वहाँ सर पहुँच सीधे पकड़ लिए, हम कह रहे हैं सर चाय पिए, क्या नाम हुआ? विष्णुदेव पास में।
काल की कैसे आप पकड़ के ले आए? मध्य से टीमों के द्वारा 12 विक्रेता शराब विक्रेता के जिनके पास शराब पाई गई और 25 शराब पीने वालों को गिरफ्तार किया गया और उनमें प्रमुखता से जो है एक 2 VIP लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक कनौर दास है जो कि संभवतः मुखियापति है और एक पिंटू यादव है जो उप मुखियापति दोनों कबीरचक पंचायत के कबीरचक पंचायत से। रिपीट ऑफेंडर्स के लिए कानून में प्रावधान है कि 1 साल की सजा उन्हें मिलती है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन का बेमियादी भूख हड़ताल तीसरे दिन समाप्त हो गया। 1200 मांगों को लेकर के वीवी प्रशासन से सकारात्मक वार्ता के बाद अनशन समाप्त करने की घोषणा संगठन ने कर दी है। एमएसयू के वीवी प्रवक्ता नीरज भारद्वाज, कोषाध्यक्ष नारायण मिश्रा, एमएलएसएम कॉलेज के अध्यक्ष अमन पांडे, डीएनवाई कॉलेज अध्यक्ष आर्यन कुमार भूख हड़ताल पर बैठे थे। सभी मांगों पर सकारात्मक पहल का वीवी प्रशासन की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया। इसके बाद आंदोलनकारियों को कुलानुशासक और DR1 के जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। संगठन के सदस्यों ने कहा कि अभी आंदोलन को समाप्त किया गया है, लेकिन अगर मांग पूरा नहीं किया जाता है तो जून के बाद फिर से जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इधर अनशन के तीसरे दिन हालत बिगड़ने पर एक अनशनकारी अमन पांडे को DMCH में भर्ती कराया गया। देखिए 1200 मांग को लेकर हम लोग पिछले 3 अप्रैल से यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव हो ताकि एक कॉलेज में छात्र प्रथा का शुरुआत हो सके, कॉलेज में छात्रों का सुना जाए और हमारी कई ऐसी भी मांग है जिसको लेकर हम लोग बैठे हुए हैं, जिसमें उत्तर बिहार का एकमात्र डिस्टेंस और लॉ कॉलेज जो बच्चों को कम से कम डिग्री देने का काम करता था, मैं शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिग्री देने की बात कर रहा हूँ, आज गवर्नमेंट के द्वारा उसको बंद कर दिया गया। ये कहा गया कि ये जो तमाम जो ये संस्था है चाहे डिस्टेंस हो लॉ हो ये मान्यता पे उतरता नहीं है, इसको बंद कर दिया जाए। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था आप इसके लिए बहाल कीजिएगा कि आप पूरा संस्था। अलीपट्टी स्थित डॉक्टर मनोज कुमार के जमीन पर कई दिनों से विवाद चल रहा था, जिस पर कोर्ट के द्वारा फैसले में डॉक्टर मनोज कुमार को 1 कट्ठा जमीन का मालिकाना हक दिया गया। वहीं जमीन पर कई लोग पहले से अतिक्रमण किए हुए थे, जिसको लेकर के बीते दिनों से लगातार गाली गलौज और बवाल हो रहा था, लेकिन आज बहादुरपुर अंचलाधिकारी ने दल बल के साथ पहुंचकर जमीन का घेराबंदी करके डॉक्टर मनोज कुमार को सौंप दिया है। यह प्रक्रिया जिलाधिकारी के आदेश पर की गई है। इसके बाद माहौल शांति में बना हुआ है। हमको सिर्फ 1 कट्ठा जमीन जो कि मनोज कुमार मंडल द्वारा क्रय की गई है, उस जमीन का घेराबंदी करने में उनको मदद करने का आदेश हाईकोर्ट से। यह जमीन किसके नाम थी? ये जमीन जिस पर अभी आप खड़े हैं ये मनोज कुमार मंडल के नाम से है। और जो दावा कर रहे हैं उनका क्या है? उनका कोई दावा नहीं है, कोई कागजात नहीं, बना हुआ मंदिर है इसी में आ रहा है। तो क्या ये मंदिर को भी खाली कराया जाएगा? नहीं, हमको सिर्फ घेराबंदी करने का आदेश है, खाली करने का। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अभय पद्दास, अंचल अधिकारी बहादुरपुर। जमीन से हट गया और 2012 में हम लोग केस किए थे, तो वो जो सरकारी जमीन ऐसा नहीं है, वो 12 कट्ठे प्लॉट में 9 कट्ठे में पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, सारे बहुत घर बने हुए। कोर्ट के शरण में, कोर्ट ने जो सच पाया, 12 साल कोर्ट ने स्टडी किया, स्टडी करके जो सही पाया उसने ऑर्डर दिया, आज उसके पुलिस एक्शन में, प्रशासन एक्शन में।